शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। हाँ जी, तेरी प्रॉपर्टी मेरे नाम होने तक ही तेरी जिंदगी है। फिर मैं तुझे ऊपर पहुंचा दूंगा जैसे तेरे माता पिता को पहुंचाया था। टिंग टॉक सिग्नेचर। पैसा पैसा चाहिए ना, चेक पर साइन करो। ये पेन। कुछ गिरा क्या? नहीं, तेरा रिस्पेक्ट देने की लेवल गिर गई है। मालिक के कमरे में अंदर घुसने से पहले नॉक करना चाहिए, समझा? इतनी अकल नहीं है। मामा जी आप शायद भूल रहे हैं, विराज सुन नहीं सकता। तो मैं तो सुन सकता हूँ ना, है ना? अगली बार अंदर घुसने से पहले नॉक करना, फिर अंदर आना, समझे? ये क्या है? 5 लाख? ये क्या है? कुछ नहीं। अरे वो हमारे वेंडर है ना मेहता साहब, उनकी पेमेंट करनी है। अच्छा, मेहता साहब को 3 लाख की पेमेंट करनी है। ये 5 लाख के चेक पर साइन ले रहे हैं। 5 लाख। अरे देख तू ना, उसको विराज को मेरे खिलाफ भड़का मत, समझा? एक बार साइन करने के लिए बोलो उसको। चल। मामा जी मैं विराज को भड़का नहीं रहा हूँ। विराज के माता पिता ने हर बात को सही से विराज को समझाने की मुझे ड्यूटी दी है और मैं सिर्फ अपना काम कर रहा हूँ ईमानदारी से। और वैसे भी अंतिम फैसला विराज का होता है, मेरा नहीं। हाँ साइन कर। ये ना तुझे बहुत महंगा पड़ने वाला है, समझा? बाहर कुछ लोग आपसे मिलने आए हैं, मिलने। कितना सुंदर घर है, फिर मेरे पास भी ऐसा ही घर होगा। अरे माँ अपने सपनों की दुनिया से ना थोड़ा बाहर आओ। क्या कहा? सपनों की दुनिया से? देखना एक दिन मैं भी ऐसे ही घर में राज करूंगी। कौन कहा राज कर रहा है आंटी जी? नमस्ते। वो आपके मालिक के बारे में बात कर रहे थे कि वो इतने बड़े बंगले में राज करते होंगे। बहुत सुना है मैंने आपके बारे में सुधा से। वो आंटी कह रही हैं कि इन्होंने बहुत सुना है आपके बारे में सुधा से। अरे कामिनी जी आप यहाँ कैसे? नकुल जी वो मैं अपनी बेटी की शादी के बारे में बात करने आई थी। आई है ना, अरे बैठिए। वो सुधा और पारस एक दूसरे को काफी समय से जानते हैं। सुधा बता रही थी मुझको कि पारस विराज जी के यहाँ मैनेजर का काम करता है। ऐसे हमारे यहाँ कई नौकर चाकर हैं। वो सुधा की भी शादी की उम्र हो गई है, तो यदि आपको कोई एतराज ना हो
तो मैं सुधा का हाथ विराज के हाथ में देना चाहती हूँ। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है भाई, मुझे तो ये रिश्ता मंजूर है। नहीं नहीं मामा जी, पहले विराज से तो पूछ लीजिए कि वो ये शादी करना चाहता है या नहीं चाहता है। तुझे तो उसकी भाषा आती है ना, तो तू पूछ ले उससे। विराज, ये सब लोग तुम्हारी शादी शादी इस लड़की से करवाना चाहते हैं। हाँ विराज भी मुस्कुरा रहा है, इसका मतलब उसे शादी मंजूर है। तो कामिनी जी, शादी पक्की समझिए। पर क्या रत्नाकर जी? दरअसल हमारे यहाँ ना एक प्रथा है, अगर किसी लड़के के बच्चे के माता पिता अगर एक साल में गुजर जाए ना, तो उसी एक साल के भीतर उसकी शादी हो जानी चाहिए, नहीं तो अगले 3-4 साल तक हम उसकी शादी नहीं कर सकते। और विराज के माता पिता की बरसी अगले 4 दिन बाद है, तो हमें ना 2 से 3 दिन के भीतर ही भीतर रजिस्टर करनी पड़ेगी शादी। नहीं, मुझे लगता है कि शायद विराज को समझ में नहीं आई बात। विराज को सब समझ में आ रहा है। विराज, जहरा शादी सुधा से। देखो विराज की मुस्कुराहट बता रही है। क्या बोल रहा है ये पारस? विराज कह रहा है कि आपको पता है वो सुन और बोल नहीं सकता। हम लोग को सब पता है इस बारे में। उसके बाद भी आप उसके साथ ही सुधा से कराने चाहते हो? अब किसी न किसी से तो शादी करवानी है ना, तो विराज से अच्छा लड़का और कहाँ मिलेगा। अरे इसे बताने की क्या जरूरत है, ये सगाई थोड़ा है हमारा। अरे विराज को देखिए, मुस्कुरा रहा है, शर्मा रहा है, इसका मतलब शादी पक्की समझिए। उसे भी सुधा पसंद, हमें मंजूर है। तो फिर बहुत बढ़िया, 2-3 दिन आप यहीं रहिए और मिलकर हम शादी की तैयारियां करते हैं। जी जरूर। पारस, तुम आज जल्दी छुट्टी कर लो, जाओ आराम करो, जाओ। अरे विराज, अरे जाने दो उसको, इतने मेहमानों के बीच में ये छोटे लोग, चलो जाओ यहाँ से। आइए कामिनी जी, आइए सुधा जी, आइए, कमरा दिखाता हूँ मैं आपको। अच्छा है विराज, मैं तुमसे प्यार नहीं करती। अरे नहीं, अब मेरा कहने का मतलब है कि मैं पारस से प्यार करती हूँ। इसे तो कुछ भी समझ नहीं आता, अब ऐसे कैसे इसके साथ पूरी की पूरी जिंदगी बिताई जा सकती है। और मेरी माँ इसके साथ मुझे फंसाने में लगी, लेकिन क्यों? बहुत कीर्ति चैन लग रहा है ये। अगर तुम मेरा यूं ही साथ निभाती रहो ना, मैं तुम्हें गहनों से मर दूंगा। साथ तो आपने मेरा निभाया है, वरना मेरी बेटी उस भिखारी पारस के चुंगल में फंस गई होती। अगर तुमने मुझे सुधा और पारस के प्यार के बारे में नहीं बताया होता ना, तो मुझे ये विराज और सुधा की शादी का आइडिया कहाँ से आया? पर मुझे ये समझ में नहीं आता कि विराज और सुधा की शादी से उसकी प्रॉपर्टी का क्या लेना देना है। कनेक्शन है, ये प्रॉपर्टी विराज की नहीं है, ये प्रॉपर्टी मेरे बाप की है।
और जब मैं उनके जुल्म में 14 साल के लिए जेल गया था तो ये मेरे बाप ने मेरी प्रॉपर्टी बहन और जीजाजी को दे दी थी, और जब मैं जेल से वापस आया तो बहन और जीजाजी ने ये प्रॉपर्टी वापस देने से इनकार कर दिया, तो मैंने उनको एक रोड एक्सीडेंट में मरवा दिया। लेकिन उन्होंने ये प्रॉपर्टी पहले ही विराज को दे दी थी। तो क्या आप विराज को भी मरवा दोगे? नहीं, अगर वो मर गया तो ये सारी प्रॉपर्टी एक एनजीओ को चली जाएगी, और ये प्रॉपर्टी मुझे अपने नाम करवानी है। इसलिए मैं तुम्हें जैसा कहता जाऊंगा ना, अगर तुम वैसा करती जाओ तो मैं वादा करता हूँ मैं तुम्हें माला माल कर दूंगा। तो फिर आप अपना वादा निभाएंगे और मैं अपना वादा निभाऊंगी। शायद मेरी शादी का ख्याल उनके दिल में आया। यदि आपको कोई एतराज ना हो तो मैं सुधा का हाथ विराज के हाथ में देना चाहती हूँ। हेलो, हाँ सुधा। पारस, सुधा हमने क्या सोचा था और ये क्या हो गया? पारस, मुझे खुद नहीं पता कि सब कुछ इतनी जल्दबाजी में हो गया कि मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि क्या करना चाहिए। सुधा, ये तुम्हारी मम्मी रतन जी को कैसे जानती हैं? मैं नहीं जानती। सुधा, तुम्हारी और ये विराज की शादी की बात ही अचानक छेड़ने में मुझे कोई साजिश दिखाई दे रही है। कुछ भी हो, हमें ये शादी रुकवानी होगी। लेकिन कैसे? मुझे नहीं पता, मैं आज ही मम्मी से बात करूंगी और इस शादी को करने से मना कर दूंगी। हाँ, यही ठीक रहेगा। और देखो, तुम्हारी बात होते ही ना तुम तुरंत मुझे खबर करना, ठीक है? हाँ। तुम डिनर के लिए अभी तक तैयार नहीं हुई? तैयार हो जाओ और थोड़ा मेकअप कर लो। माँ, माँ वो माँ, मैं विराज से शादी नहीं करना चाहती। क्यों? क्यों? क्योंकि आप अच्छे से जानते हैं कि मैं पारस से प्यार करती हूँ। तो मैं विराज से शादी क्यों करूँगी? क्योंकि उसके पास ढेर सारा पैसा है। माँ, लेकिन पैसा होना ही सब कुछ नहीं होता। उसके पास पैसा नहीं होता ना, यकीन मानो मेरा गिद्धों की तरह नोच खाती है, अपने भी साथ नहीं देते हैं, इसीलिए अपने भविष्य को सोच के ना चलना पड़ता है। लेकिन माँ, अपने फ्यूचर का सोच के अपने आज को खराब करना, ये तो विवाह को क्यों ना। जब मैं तुम्हारी उम्र की थी ना, तब मैं भी ऐसा ही सोचा करती थी। मैंने भी पैसे और प्यार में प्यार को जगह दी और तेरे बाप से शादी कर ली। मुझे क्या मिला इससे? गरीबी, दुख, पर मैं ये सब तेरे साथ नहीं होने देना चाहती। लेकिन माँ, पारस के पास भी बहुत पैसे हैं, वो भी मुझे बहुत खुश रखेगा। क्या खास पैसे हैं? पारस 30,000 कमाता है महीने का और विराज 5,00,000। अब तुम ही बताओ कि 30,000 तुम्हें ज्यादा खुश रख सकता है या 5,00,000? और विराज की कमियां? कमियां किसमें नहीं होती, उससे क्या होता है, शादी के बाद सब कमियां धुल जाती हैं। सुधा, मैं तुम्हारी माँ हूँ, मैं तुम्हारा कभी भी गलत नहीं सोच सकती। मैं नीचे डिनर के लिए जा रही हूँ, अगर तुम्हारा मन विराज से शादी करने का करे तो तुम तैयार होके नीचे आ जाना, वरना मैं रत्नाकर जी से कहकर उनसे उनके पैर पकड़ के माफी मांग लूंगी, उनकी गालियां भी खा लूंगी और विराज से तुम्हारी शादी तोड़वा दूंगी। हेलो। हेलो, हाँ सुधा, बात की तुमने आंटी से? हाँ। तो क्या कहा उन्होंने? मम्मी का कहना है कि मुझे विराज से शादी कर लेनी चाहिए। और तुम्हें क्या लगता है? मेरा तो सोच सोच के सर फटा जा रहा है। एक तरफ मैं अपनी माँ का दिल नहीं तोड़ना चाहती और पारस, दूसरी तरफ मैं तुम्हें भी नहीं खोना चाहती। देखो सुधा, अब तुम जो भी फैसला लोगी ना,
उसी पर हमारा भविष्य निर्भर करता है। भविष्य? हाँ, भविष्य। और मुझे पता है कि तुम जो भी फैसला लोगी वो एकदम सही होगा। पारस 30,000 कमाता है महीने का और विराज 5,00,000। अब तुम ही बताओ कि 30,000 तुम्हें ज्यादा खुश रख सकता है या 5,00,000? ये लेकिन सुधा कहाँ रह गई भाई? बस आती ही होगी। माँ देखो वो आ गई। आ गई। मैंने अपने फ्यूचर के बारे में तो सोचा ही नहीं था, इसलिए आज के बाद आप जैसा कहेंगी मैं ठीक वैसा ही करूंगी। तुमने बिल्कुल सही फैसला किया बेटा। अब जाओ और विराज को ले जाओ, जिससे हम इस घर पे राज कर सके। जाओ जाके विराज को खाना दो। लीजिए ना, आप लोग भी शुरू कीजिए। क्या खाना बनाया, मजा आ गया भाई। पारस तुम यहाँ और इस वक्त? मैं ये देखने आया था कि तुमने क्या फैसला लिया है, और देखा मैंने तुम्हारा फैसला। क्या देखा? देखा मैंने हाथों में हाथ डाल के डिनर किया जा रहा है। मुझे मेरी एक बात रखने का मौका तो दो। नहीं, अब कोई जरूरत नहीं है। मुझे लगता था कि तुम अच्छी लड़की हो, लेकिन तुम भी उनमें से एक निकली। तुमने पैसे के लिए अपने प्यार को ठोकर मार दी, और मैं समझ गया हूँ अब सब। और मैं जा रहा हूँ विराज को सब कुछ बताने के लिए। क्या विराज को बता दोगे? मैं सब कुछ बता दूंगा। तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। मैं करूंगा, और मैं जा रहा हूँ यहाँ से। मैं सुधा से प्यार करता हूं। सुधा मुझसे प्यार करती है। और हम एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं। चुप। ये बात हम सुधा से ही पूछ लेते हैं कि वो किससे प्यार करती है। बताओ सुधा। हाँ सुधा, हमारे बीच जो भी है तुम सब कुछ बता दो। मैं तुमसे प्यार नहीं करती। मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। ना चल, ये समझ गया। ये सुधा तुम चल। सुधा ये हो गई तेरी इतना टंकी। चल